वो है लकड़ियाँ, ये हूँ मैं और ये है मेरी फ्रेंड। गाइस हमारा कट्टा तैयार हो गया। देखिए कितना खतरा उठा के हम लोग बेर ढूंढने जा रहे हैं आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज अभी मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। तो मेरी फ्रेंड का घर है पीछे, मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जंगल की ओर। तो चले आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अपना जंगल। तो देखते हैं वहाँ हमको क्या क्या मिलता है। हेलो, कहाँ से उतरे तुम लोग? यहाँ से आ जाओ, यहीं से रास्ता। तो देखिए गाइज आ रही हूँ, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। तो गाइस देखिए बच्चे यहाँ जंगल के अंदर हैं और मुझसे बोल रहे हैं हमको भी व्लॉग में लेना। लोगों का नाम क्या है ये तो बताओ पहले मुझे। अपना नाम है पीयूष, इसका नाम है ललित, वो मेरी दीदी है। ओके ओके। हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? रील बना रहे हैं। अच्छा, रील बना रहे हो? रील बनाने हम लोग घूम रहे हैं। ओके, तुम लोग उनके बॉडीगार्ड। ये देखिए गाइस, जब हम छोटे छोटे थे यहाँ अपनी गाय वाय लेके आते थे हम लोग, गाय भैंस लेके यहाँ चराने के लिए। और तब यहाँ जो एक पेड़ थे सिर्फ खैर और शीशम के पेड़ थे, और उसके बाद देखिए सारे यहाँ से खैर और शीशम तो गायब हो चुका है, बस यहाँ सागुन ही सागुन भर दिया। देखिए चारों तरफ सागुन के पेड़ दिख रहे हैं, इतने गहरे गहरे गड्ढे करके छोटे छोटे पेड़ लगाए थे इनके। मेरे सामने सामने ये पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, तो सोचिए कितनी पुरानी हूँ मैं यहाँ की। और मेरी फ्रेंड भी नई नई आई है तो इसलिए इसको यहाँ का कुछ पता है नहीं। तो चले आज हम घूम रहे हैं, और मुझे ये मौका भी मिला है कि मैं आज यहाँ घूम भी रही हूँ और आप लोगों को भी अपना जंगल दिखा रही हूँ। हाँ ज़्यादा ना, हाँ बिल्कुल गोल है, ऐसे गोल है जैसे कि पहले यहाँ पे कुछ वाटर फ्लो टाइप का था, तो उससे ये रगड़ के मतलब ऐसे गोल हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत दिख रहे हैं। आगे भी आवाज़ आ रही है शायद, वहाँ भी कोई है। तो गाइस दूर से हमें आवाज़ आ रही है कुछ, तो चले हम चलते हैं वहाँ की ओर, देखते हैं वहाँ क्या है। यहाँ पे जैसे कि कोई पानी का ये था, देख ऐसे सब जमा है। हाँ। ये नहीं, अभी आगे जाके ना देखो थोड़ा गहरा ही है आगे जाके। और यहाँ रौला बोलते हैं ना, रौला गहरा होता है ना, तो जो पूरा जैसे जब बारिश होती है तो वहाँ बिल्कुल ऐसे नदी जैसी रहने लगती है वो रौला जो होता है ना। हाँ, यहाँ वो पानी नहीं टिकेगा लेकिन वहाँ टिकता था। और जैसे हम लोग की जब वो हुआ करती ना ये कच्ची झोपड़ी, तो उसी जो मिट्टी की दीवारें होती थी, तो हम लोग जो दिवाली के टाइम में लिपाई नहीं करते हैं उसकी, हाँ तो ईजा लोग यहाँ से मिट्टी खोदने आते थे और हम लोग मिट्टी ले जाते थे यहाँ से। तो वो टाइम ही कुछ और था। ये देखिए गाइस यहाँ से थोड़ा गहराई आ गई है, तो ये है यहाँ का रौला। इसमें जब बारिश बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा नदी से बहने लगती है, पूरा ये इतना एरिया गहराई है। अरे छोटे छोटे थे तो बच्चे यहाँ से नहा, हाँ नहाते भी थे बच्चे लोग, तो छोटे छोटे से नहाते थे। और गाइस हम लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है हम कहाँ को जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम अपना ही रास्ता भूल जाएं। और यहाँ कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, हमें कुछ पता नहीं है क्योंकि जंगली जानवरों का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या मिल जाए। हाँ रिस्की टाइम तो है, ये हवा चल रही है ना तो जो सूखे पत्ते हैं उनकी आवाज़ कैसे आ रही है। क्या दिन थे यार जब हम छोटे छोटे थे, अच्छा लग रहा है ना। नहीं ये गर्मियों में यहाँ आग लगा देते हैं ना पूरा, तो वो जो पूरा जो झाड़ियाँ वाड़ी होती है वो सब जल जाती है। ये देखिए गाइस यहाँ पर गड्ढा भी किया है, यहाँ पर मिट्टी निकाली है शायद किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे ही तो जब ये मतलब पता नहीं कौन सी जगह पे जाते थे, मुझे तो वो याद भी नहीं है, ईजा लोग खोदते थे उन लोगों को आइडिया होता था ना कि कहाँ पर मिट्टी अच्छी मिलेगी लिपाई के लिए। तो ऐसे ही मतलब जैसे ये है अंदर अंदर ही बिल्कुल ऐसे होल सा करते थे, उसके अंदर घुस के निकालते थे यार। हाँ जैसे ये ऊपर का नहीं निकालेंगे, अंदर अंदर ही होल करेंगे और उसके बाद फिर उसको भरेंगे, फिर हम लोग ले जाते थे घर को। तो वो मिट्टी की चिकनाहट होती थी बहुत, मतलब अभी भी निकलेगा अंदर से, अभी भी वही मिट्टी निकलेगी लेकिन अभी ऊपर पर से तो हाँ वो हर बरसात में बह जाता है ना ऊपर का, ये रेतीली होती है ऊपर की, अंदर से अच्छा निकलता था। गाइस आप प्लीज़ हम ऐसे ही बोल रहे हैं ऐसे मत सोचिए, सच में यहाँ पे बहुत वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं, क्योंकि मेरा घर बहुत ही पास में, नील गाय
इवन यहाँ पे एक ऐसा भी वीडियो था हमारे पास में कि शेर तक आया हुआ था, हाँ देखा था हमने, बच्चे खेल रहे थे और वो देख रहा था वहाँ से, फेंस के ऊपर वहाँ पे बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ था और बच्चे आगे खेल रहे थे, वो देख रहा था ना कि कब टाग लगा के बैठा था, वो तो बच्चों की नजर पड़ गई, बहुत डेंजरस। वो शायद से वीडियो मिल जाए तो हम सच में आपको एक बार दिखाएंगे, वो वीडियो हुआ था लीक तो एक बार चेक करेंगे तो शायद से मिल भी जाएगा जिसके पास। और हाथी, हाथी भी आते हैं यहाँ पे आते हैं। देखिए गाइस ये बच्चे अभी वहाँ बिल्कुल अपने घर के पास में थे और अभी अभी देखे हम लोग यहाँ को आ गए तो वो लोग भी हमारे सारे सारे इधर को आ गए, उनको भी एक सहारा सा मिल गया है कि दीदी लोग जा रहे हैं तो चले हम भी जाते हैं। एक यहाँ पे बेल का पेड़ है, महाशिवरात्रि आने वाली है उस समय जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हम बिल्कुल आ सकते हैं, हमें एक नहीं तुझे पता भी चल गया ना कि यहाँ पर पेड़ है और ज्यादा दूर भी नहीं जाना, यहीं पर है और छोटा सा पेड़ है, आराम से पत्तियाँ टूट भी जाएंगी उसमें से। बोलते ना जंगल में क्या क्या नहीं होता, जड़ी बूटियाँ हुई। तो गाइस ये वो जंगल है जहाँ जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे जानवर यहाँ चरते थे तो यहाँ जड़ी बूटियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो हमारे जो जानवर खा के जाते थे उसका जो दूध हमें मिलता था उन गायों का बहुत पौष्टिक होता था, बहुत टेस्टी होता था। और जो आजकल हम जो दूध पी रहे हैं उसमें वो बात नहीं है, वो टेस्ट नहीं है क्योंकि आजकल के जानवर सिर्फ पशु आहार खा रहे हैं, घर का जो हम घास बोते हैं उगाते हैं वही खा रहे हैं। तो पहले के जानवर मेहनत करते थे, यहाँ आते थे सुबह से शाम तक, वो यहाँ चर के जाते थे। तो देखिए जो यहाँ पर जो भी ये पेड़ पौधे हैं इनकी पत्तियाँ खाते थे, वो ना अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके हमें, बहुत अच्छा लग रहा है यार। इवन मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बट सच में बोलते हैं ना नेचर अपने आप मतलब अपने को अपना ही बना लेती है, नेचर में अपने आप में एक पीस है, बहुत ही वार्मथ है और सच में ये फील हो रहा है। और आज मुझे अपना यहाँ आके अपना बचपन का टाइम भी याद आ रहा है क्योंकि हम लोग पूरे हमारे गांव के जो हम लोग बच्चे थे पूरा एक ग्रुप आता था यहाँ, हम लोग खेलते भी थे यहाँ, कब सुबह से शाम हो रही है हमें पता भी नहीं चलता था, हम बहुत ही आगे निकल आ चुके हैं। और अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो जंगल के उस पार वाला गाँव भी आ जाएगा और पता नहीं हमें और कौन मिल जाए। तो ये देखे गाइस यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है, सागौन का सूख गया होगा ना, ये हल्का सूखा है और इसकी जड़ देखिए बिल्कुल गिर चुका है जड़ से। और गाइस ये जो पेड़ गिरा है देखिए मेरी फ्रेंड जा रही है उसमें बैठने के लिए, झूला झूलने के लिए जा रही है, देखिए गाइस मुझे लगा कि मेरा वेट नहीं सहन कर पाएगा, पर नहीं बहुत मजबूत पेड़ है, हाँ मजबूत पेड़ है, काफी मजबूत पेड़ है क्योंकि अभी कच्चा है ना, अभी ढंग से सूखा नहीं है, अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। तो गाइस मैं भी आ गई हूँ यहाँ बैठने के लिए और अब हम लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बस टूट ना जाए। नहीं नहीं तो गाइस हम बैठ गए इसमें, ये देखिए हिल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, यस बहुत एंजॉयमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे अंदर धूप भी दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, यो हमें झूला भी मिल गया, हम पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं यहाँ पे कभी कभी भी आ सकते हैं, बस हमें कुछ यहाँ मिले ना कि हम आराम से बैठ जाएं, ऐसा ना हो कि हमने खाने के लिए लेकर आए हम किसी और का खाना बने। मेरे छोटे छोटे फ्रेंड भी आ गए हैं, दीदी लोग कहाँ गए, दीदी लोग वो रील्स बना रहे हैं गाइस, उनको हिम्मत मिल गई कि हम लोग यहाँ जंगल में आए हैं तो वो लोग भी जंगल के अंदर घुस के रील बना रहे हैं। देखिए तो अब मैं ये बच्चों का झूला दिखाती हूँ आपको, कैसा लग रहा है, और ये बच्चे झूल रहे हैं साथ में हम भी झूल रहे हैं क्योंकि हम भी अभी बैठे हैं इसमें, ये देखिए गाइस बच्चे झूल रहे हैं और हमें भी झूला रहे हैं। यहाँ जब हम छोटे थे तो यहाँ बेर के पेड़ होते थे बहुत ज्यादा, हम बेर भी खाते थे, अब ये जंगल में आग लगा लगा के इन्होंने सारे बेर के पेड़ भी खत्म कर दिए हैं। और ये इसके ऊपर हम ये पैर रख के चल रहे हैं तो इसके साउंड में जो हमारा जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो रहा होगा, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा भाई, अच्छे से रस्सी है यहाँ पे, हाँ हो सकता है कुछ किया होगा कोई की वो कोई जानवर वगैरह बात के लेके आए होंगे ना यहाँ जंगल में छोड़ने के लिए, ऐसे तो कर रहे हैं लोग आजकल, और उसको बात के लेके आए होंगे घर से, यहाँ पर आके खोल दिया होगा उसे। तो गाइस हम लोग जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं, अब हम लोग जाते हैं घर की ओर, हमें यहाँ कोई भी बेर का पेड़ नहीं मिला, हम लोग बेर खाने के लिए आए थे तो चले अब हम आगे को बढ़ते हैं घर की ओर, हो सकता है हमें वहीं आसपास में कोई पेड़ मिल जाए। और बच्चे बोल भी रहे हैं कि इन लोगों को वहाँ पेड़ दिखे थे तो देखते हैं हम लोगों को वहाँ पर पेड़ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो चलो हम जा रहे हैं यहाँ, फिर कुछ आएगा तुम लोग डरोगे, चलो कैसा लगा, कैसा लगा तुम लोगों को, तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर अभी कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं तो चलिए हम लोग उठाते हैं इसको, ये आग जलाने के काम आएंगी।
नहीं मेरा स्टॉल काम आ जाएगा। तो गाइस मैंने अपना स्टॉल बिछा दिया है यहाँ पर और अब हम इसमें रखेंगे लकड़ियाँ। ये बहुत पुराने टाइम का काम हम कर रहे हैं पर अच्छा लग रहा है। ये काम मैंने कभी नहीं किया है, आज मुझे नोमैडिक इसमें थोड़े काटे भी काटे होंगे ना। अब देख के रख, लकड़ियाँ एक ही जगह पे बहुत अच्छी मिल गई हमको। हाँ, वो तो तूने देखा और तेरे पापा भी खुश हो जाएंगे, चलो जंगल जाके एक काम तो करा इन्होंने। हाँ, ये बात तो गाइस एकदम सही बोला है। ले मैं रखती हूँ इधर, वो है लकड़ियाँ, ये हूँ मैं और ये है मेरी फ्रेंड और हम लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। तो गाइस हमारा गट्ठा तैयार हो गया। तो गाइस ये गट्ठा बहुत भारी हो रहा है, कैसे उठाऊं मैं ये? देखिए गाइस मैंने सर में रख लिया है गट्ठा और अब हम जा रहे हैं आगे आगे। एक मिनट, ओके मेरे गाना हो जाए गाना। यस, जंगल में इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। बेर तो हमको मिले मिले नहीं, पता ही नहीं है। मिल जाएगा, मिल जाएगा। जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर। बहुत देर हो चुकी है। तो गाइस देखिए अब हम लोग बिल्कुल अपने गांव के पास पहुंच गए हैं और अभी हम लोगों ने बेर के पेड़ भी ढूंढने हैं, तो क्या पता हमको बेर के पेड़ मिल जाए, तो उसके लिए हमको उस साइड जाना पड़ेगा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, पहले हम जो ये लकड़ियां लेके आए हैं इनको रख के आते हैं घर, उसके बाद हम लोग जाएंगे बेर की खोज में। और लकड़ियों का गट्ठा बहुत भारी है, ये देखिए मैंने एक हाथ से उठा लिया है। और अभी तक यहाँ कभी धूप आ रही थी, कभी बादल लग रहे थे, कल रात तो यहाँ बारिश भी हुई थी। तो अभी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल बारिश आने ही वाली है, बादल फिर से लगने लग गए थे। और हम लोग जंगल की ओर जब आए तो हमें ठंड भी लग रही थी, लेकिन अभी घर जाते जाते हम लोगों को यहाँ जंगल के अंदर घूम घूम के हमको पसीना हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी हैं और आज हमने बहुत मेहनत से काम भी किया है। हमने जंगल में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हम कुछ काम करके आए हैं आज। गाँव वालों ये जो बसंती है ना, बसंती तो देखे हम काम करके आ रहे हैं और मौसी खा रही है यहाँ पर एप्पल। मौसी बिल्कुल ऐसी खाती है। मौसी वो दाने को किसी शेयर नहीं कर रही है। देखो मौसी ऐसी खा रही है, औरों के लिए रखा है, हमारे रखा है नहीं। हाँ रखा, झाड़ दे इसमें कुछ अटका होगा तो निकल जाएगा बस। तो ये देखे गाइस ये है मेरा वो स्टॉल जो मैंने अभी जिसमें लकड़ियाँ बांधी थी। थैंक यू, ये स्टॉल बहुत काम के, जैसे बेर भी तोड़ेंगे तो ऐसा झूला बनाने के काम पे। अभी हम इसमें बेर भी रख सकते हैं। सूत्रों से हमें गुप्त सूत्रों से पता चला कि बेर गायब हो चुके हैं। है। तो फिर भी देखते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, हो सकता है कुछ दाने हमारे भी बचे हों। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर में, हम लोग पानी वानी पी के आ गए हैं क्योंकि हम थक गए थे। और ये देखिए हम फिर से जा रहे थे बेर की खोज में और यहाँ मिल गई है भाभी लोग। ये है मेरी दीपा भाभी, प्रणाम, खुश रहो। और सामने है हमारी इस गांव की ब्यूटी क्वीन तारा भाभी, प्रणाम भाभी, खुश रहो, कैसे हो? बढ़िया, तबीयत ठीक है? और ये कौन सी भाभी है, इनको तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा प्रणाम, ये है तारा भाभी की बहू। अब देखिए तारा भाभी कहीं से सास जैसी लग रही है। तारा भाभी बोल रही है इनकी बहू है, बताओ। अब मेरे गाइस ही बताएंगे कि ये सास लग रही है कि ये खुद बहू लग रही है, ये तो आपको कमेंट में मिलेगा। हाँ गाइस आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? ओके, तो चलो अभी आप बताओ हमको बेर कहाँ मिलेंगे। बेर आपको हम ले जाते हैं, चलो। तो गाइस देखिए ये है तारा भाभी का घर और यहाँ मेरी फ्रेंड पहले रेंट में रहती थी, है ना भाभी? यहीं रहते थे ना, और यहाँ भी बहुत हुए हैं। और सामने है देखिए कितने पपीते लगे हैं, आम के पेड़ में पपीते हो रखे हैं, आम के पेड़ में पपीते। अच्छा यहाँ पर देखिए गाइस आम के पेड़ में सबके घर में आम लगते हैं, मेरे घर में तो आम लगते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तो पपीते लगे हैं। ये देखिए गाइस यहाँ आम के पेड़ में भी पपीते लगे हैं। और यहाँ एक और दीपा भाभी आ गई, दीपा भाभी टू, दीपा भाभी टू। नहर से जा रहे हैं हम लोग और नहर के किनारे ही है तारा भाभी का घर। तो ये है इनका फ्रंट व्यू और यहाँ से गई है सड़क और सामने है हमारी दीपा भाभी का घर। गाइस यहाँ पेड़ में एक भी बेर नहीं दिख रहा है हमें, सारे दीपा भाभी ने खा लिए हैं। ये दीपा भाभी ने नहीं, दीपा भाभी टू ने खाए हैं। तो चले अब दूसरी जगह देखते हैं कहीं। तो गाइस यहाँ पर ये भैया लोग आए हैं अभी यहाँ प्लॉट देखने। आप लोग यहाँ प्लॉट देखने आए होगे ना? आए, हमने तो लिया है। अच्छा आप लोग का है, तो दोनों प्लॉट आप लोगों ने खरीदे हैं? ये हमने प्लॉटिंग के लिए खरीदे हैं। अच्छा अब इसमें आप लोग प्लॉटिंग करोगे? वो बिक गया, वो
वो पूरा बिक गया। तो गाइस ये दोनों प्लॉट ये भैया लोगों ने खरीदे थे और इन्होंने यहाँ प्लॉटिंग कर दी है, तो जो सामने वाला प्लॉट है उधर दूर वो तो बिक चुका है, और अब ये अभी बचा है तो इसको खरीद रहे हैं लोग, देखने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो बस कुछ ही टाइम में यहाँ भी घर ही घर बन जाएंगे। देखिए गाइस कैसे हम लोग के गाँव का शहरीकरण हो रहा है। आमा तुम बोलिए गोर बढ़िया पाव रखा है, तुम बोले क्या पाव रखा है ये बताओ, बोले तुम बोले क्या पाव रखा है, गोर पाव रखा बकर यो भेड़ बकर जो तो वो तो खुद चला लेना, तुम गिरा किचन का गिरना जाए रस्सी बांध दी। देखिए गाइस आमा का आइडिया, बच्चा साइकिल से गिरने जाए उन्होंने रस्सी से बांधा है उसको। फिर मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं बेर की खोज में। तो गाइस मेरी भाभी लोग चले गए उधर को, और अब देखिए मेरी फ्रेंड और मैं जा रहे हैं बेर की खोज में, क्योंकि जहाँ पर हम गए थे वहाँ तो हमको बेर मिले नहीं। अब हम देखिए कैसी जगह से जा रहे हैं और शायद हमको यहाँ बेर मिल सकते हैं। और ये रास्ता भी ऐसा है देखिए, तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं क्योंकि हम अगर सीधा चल रहे हैं तो ये तार जो है हमारे कपड़ों में लग रहा है, तो हम लोग को ऐसे जाना पड़ रहा है। देखिए कितना खतरा उठा के हम लोग बेर ढूंढने जा रहे हैं आज। और मेरी फ्रेंड को बेर दिख गए हैं वहाँ सामने। तो गाइज अभी हमें यहाँ पर एक बेर का पेड़ तो मिल गया, लेकिन अब इसमें जो बेर हैं काफ़ी ऊपर लगे हैं और ये इसमें इतने कांटे होते हैं कि हम लोग इसमें चढ़ नहीं पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग कैसे तोड़ते हैं, हमको कुछ लकड़ी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी इसको झड़ाने के लिए। ये देखिए गाइज अभी बब्बी झड़ा रही है उनको, देखे डंडे से गिर रहे। क्या हुआ, कहाँ गिरे? उसको ना नीचे अपने इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए था। हाँ कुछ जैसे हम कुछ बिछाते ना यहाँ पर, पता नहीं ना गिरे तो इधर गिरे, अब इधर इसको कहाँ पता चलेगा कैसा हो रखा है। ये तो वही वाली बात हो गई जो जिसमें लोमड़ी नीचे से होती है और ऊपर होते है तो क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो गाइस अभी हमारे लिए भी वही किस्सा हो गया, अंगूर खट्टे हैं। बेर बहुत अच्छे लग रहे हैं नीचे से देखने में, लेकिन अभी हम तोड़ नहीं पा रहे उनको। ये भी मारकर गिर रहा है, बट वो नीचे जो गिर रहा है वहाँ पे बहुत ही है। तो मैं ये स्टॉल बिछा दूँ अपना, उसमें गिरेंगे। तो गाइस देखिए अभी तक हम लोग बेर झड़ा रहे थे तो वो नीचे गिर जा रहे हैं, वहाँ से हमको उनको ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी मैंने अपना जो स्टॉल था, अभी तक तो मैं जंगल से इसमें लकड़ियाँ लेके आई थी, अब इसका हम दूसरा यूज़ कर रहे हैं। हमने पेड़ के नीचे उसको एक सीधा उसका बांध दिया है एक टहनी में, और दूसरे साइड से अभी देखिए मेरी फ्रेंड ने पकड़ा है ऊपर से बेर झड़ा रही है। तो देखते हैं फाइनली हमें इसमें हमारे मेरे स्टॉल में कितने बेर इकट्ठे हो सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फाइनली गाइस मैंने बेर तोड़ दिए हैं देखिए, और ये देखिए हमारी मेहनत, बेर से ज़्यादा तो इसमें कूड़ा है, लेकिन हमें चार दाने भी मिल गए तो हमारे लिए बहुत हैं, क्योंकि हम यहाँ से खाली हाथ जाते तो हमको ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो ये देखिए गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं बेर, और बेर से ज़्यादा तो देखिए हम लोग का काम बढ़ गया है। यहाँ देखिए मेरे लोअर में जो यहाँ ये जंगली जो पेड़ होते हैं इनके कांटे से चुभ गए हैं, तो अब इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, ये बिल्कुल चिपक जाते हैं कपड़ों में। तो गाइस अब हम लोग घर को जा रहे हैं, देखिए मेरी फ्रेंड आ रही है आराम आराम से, क्योंकि उसे नहरों में चलने की आदत नहीं है, और मैं तो इसी गांव में रही हूँ, इसी गांव में मैं पैदा हुई हूँ, तो मुझे बचपन से आदत है ऐसी नहरों से आने की। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने बेर तोड़ लिए हैं, और अभी मेरी फ्रेंड ने वो बेर रखे हैं अपने पॉकेट में, दिखाऊं। ये देखिए इसकी पॉकेट में है बेर, और अब हम लोग ये बेर खाने वाले हैं घर जाके। पहले हम धोएंगे क्योंकि वो नीचे गिर गए थे, और उसमें हम काला नमक डाल के खाएंगे, और अभी चीनू भी उड़ गई होगी, उसको घुमाने का भी टाइम हो रहा है। तो आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।